गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर नंबर 20, सोयल फर्टिलिटी इवोल्यूशन। सोयल फर्टिलिटी इवोल्यूशन सर मार कर देना मुझे। मृदा उर्वरता मूल्यांकन, सोयल की मृदा की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की जांच करना, और या मतलब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है सोयल की, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, कितनी किसी भी सोयल में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट कितनी 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 मात्रा में पाए जाते हैं, ये सब मृदा उर्वरता होती है। और इसका एवोल्यूशन जो है अपना टॉपिक आज का, और ये इनका चेक करना, इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट कितनी कितनी मात्रा में किसी भी मृदा में है, उनको चेक करना इसका मूल्यांकन होता है। सोयल फर्टिलिटी इवेल्यूशन, मृदा उर्वरता मूल्यांकन। सोयल फर्टिलिटी इज नोन एज द डिटरमिन इज नोन एज डिटरमाइनिंग द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सोयल दैट आर बल्क डेंसिटी होगी, जैसे इसकी पार्टिकल डेंसिटी होगी, परसेंटेज पोर स्पेस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पीएच, ईसी और अदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब का जांच करना, इन सब को चेक करना, ये सोयल फर्टिलिटी इवेल्यूशन होता है। सोयल्स आर वेरी हेट्रोजीनियस इन रिस्पेक्ट टू फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट दे कंटेन, मतलब अलग अलग सोयल्स में अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है, न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू होती है, वो अलग अलग सोयल में अलग अलग होती है, अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, विच ग्रेटली कॉम्प्लिकेट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ सोयल टेस्ट फॉर असेसिंग फर्टिलाइजर नीड्स। मतलब अपन कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में अब सोयल में अप्लाई करें, और या फिर किसी भी क्रॉप के लिए क्या अपने को न्यूट्रिएंट वैल्यू जो भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो भी है उनको कितनी डोजेज उसकी देनी है, उन सब को उन सब की डोजेज निकालने के लिए जो अपन चेक करते हैं, सोयल टेस्ट करते हैं, जिनमें ये इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका टेस्ट किया जाता है, उस हिसाब से अपन आगे फर्टिलाइजर डोज देते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सोयल्स ऑफर लिटिल इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज अवेलेबल। जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं सोयल में, जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो मृदा में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कुछ मात्रा होती है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती है, और कुछ मात्रा होती है जो वो सोयल में ही रहती है। बाय दिस कैलिब्रेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज कैलकुलेटेड फॉर अचीविंग स्पेसिफिक यील्ड टारगेट। जो सोयल फर्टिलिटी इवोल्यूशन है, इसके माध्यम से हम मेनली जो है वो फर्टिलाइजर की डोज कैलकुलेट करते हैं, कौन सी क्रॉप में कितनी फर्टिलाइजर डोज अपने को डालनी है फॉर द पर्पज ऑफ यील्ड। सोयल फर्टिलिटी इवेल्यूएशन प्रेफरेबली एम्प्लॉयज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ कैलिब्रेशन एज पर यूटिलिटी ऑफ आउटकम। सोयल फर्टिलिटी इवेल्यूएशन ऑब्जेक्टिव, इसके क्या उद्देश्य हैं सोयल फर्टिलिटी मृदा उर्वरता मूल्यांकन के, असेस द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सोयल क्रॉप सिस्टम। मतलब न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है सोयल में, और क्या कितना क्रॉप के लिए चाहिए, ये इसके मेन तीन चार ऑब्जेक्टिव्स हैं। डायग्नोस सस्पेक्टेड न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस, मतलब न्यूट्रिएंट को बैलेंस्ड फॉर्म में लाने के लिए कोई न्यूट्रिएंट की कमी है या कोई ज़्यादा फॉर्म है उस चीज़ के लिए। मॉनिटरिंग इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑन क्रॉप न्यूट्रिएंट स्टेटस, जो मॉनिटरिंग इफेक्ट्स ऑन क्रॉप मैनेजमेंट ऑन क्रॉप न्यूट्रिएंट स्टेटस, ये जो चीज़ है, मतलब कौन कौन से कारण हैं जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उन सब के इफ़ेक्ट के बारे में जानने के लिए। इम्प्रूविंग यील्ड एंड क्वालिटी, जो उपज और क्वालिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए। इम्प्रूविंग फर्टिलाइजर यूज़ एफिशेंसी, एसेस अवेलेबिलिटी ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक्सेस में हो जाएं जब, या एक्सेस में होने से उनका टॉक्सिक इफेक्ट कम करने के लिए। और इम्प्रूव सोयल क्वालिटी, मृदा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए।
मेथड्स ऑफ फर्टिलिटी एवेल्यूएशन, तीन मेथड्स होते हैं मेनली, सॉयल एनालिसिस, प्लांट टिश्यू एनालिसिस और विजुअल एनालिसिस फॉर डिफिशिएंसी सिम्टम। सॉयल एनालिसिस इज यूज टू डिटरमाइन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, इसकी किसी भी मृदा की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए मृदा का जो है वो सॉयल एनालिसिस या सॉयल टेस्टिंग बोलते हैं, मृदा का जो टेस्ट है वो किया जाता है। सॉयल टेस्टिंग इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन बोथ द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इज इमीडिएटली अवेलेबल एंड द अमाउंट दैट कैन बिकम अवेलेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए क्रॉप। सॉयल टेस्टिंग मेनली इस बेस पे की जाती है कि कोई भी न्यूट्रिएंट है जो वो इमीडिएटली मतलब तुरंत कितना अवेलेबल हो सकता है और जो क्रॉप ड्यूरेशन है, क्रॉप के समय ये कितनी मात्रा में क्रॉप के लिए अवेलेबल होगा। वेरियस मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड एंड की टू सक्सेस इज दैट द मेथड मस्ट बी कैलिब्रेटेड। बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं सॉयल टेस्टिंग के लिए, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इन सब के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, इन सब को इन सब की जो अमाउंट है उसे जानने के लिए। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल बिफोर प्लांटिंग टू प्रिडिक्ट लाइम और फर्टिलाइजर नीड्स। मतलब ये एक इम्पोर्टेंट या इसको यूज़फुल कह सकते हैं किसी भी क्रॉप के लिए या किसी भी फर्टिलाइज़र के लिए, फर्टिलाइज़र डोज डालने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है, क्योंकि सॉयल एनालिसिस से अपने को पता चल जाता है कि सॉयल में कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में अवेलेबल है, तो अपन उस हिसाब से आगे फर्टिलाइज़र डोज सेलेक्ट करते हैं। Also, it measures the level of specific nutrient in a soil. However, it cannot indicate whether the plant growing in that soil are able to uptake that nutrients. Soil tests are best way to assess the pH. मतलब soil test है जो वो pH जानने के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है, pH किसी भी soil की pH जानने के लिए उसकी testing ज़रूरी होती है। और ये सॉयल एनालिसिस है जो, इससे अपने को ये नहीं पता चलता कि कोई भी प्लांट है जो वो न्यूट्रिएंट्स अपटेक कर पाएगा या नहीं, या कितनी मात्रा में क्या कर पाएगा। प्लांट टिश्यू एनालिसिस सेकंड मेथड है जो, प्लांट टिश्यू एनालिसिस इज ए लेबोरेटरी डिटरमिनेशन ऑफ द टोटल एलिमेंटल कंटेंट ऑफ प्लांट और सर्टेन प्लांट पार्ट्स। प्लांट टिश्यू एनालिसिस मतलब ये एक टोटली लेबोरेटरी डिटरमिनेशन है, लैब में किया जाने वाला पूरा पूरा है। इससे किसी भी प्लांट के या उसके पार्ट में, उसके पार्ट से इसका टिश्यू एनालिसिस होता है, जो अपने को बताते हैं कि उस प्लांट्स में किन किन चीज़ों की क्या क्या मात्रा है। इट इज़ यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग मोनिटरिंग द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ क्रॉप्स। मतलब प्लांट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने अपटेक किए हैं उसको जानने के लिए प्लांट टिश्यू एनालिसिस का अपन यूज़ करते हैं। इट आल्सो सर्व्स एज द बेसिस फॉर न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन फॉर पेरिनियल फ्रूट क्रॉप्स। मतलब फ्रूट क्रॉप्स में प्लांट टिश्यू एनालिसिस का जो मेनली मतलब यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए क्या है, प्लांट टिश्यू एनालिसिस से अपने को यह पता चल जाता है कि इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है या अपन कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स सोयल में और अपने को देने हैं। इट इज़ द ओनली वे टू नो वेदर और क्रॉप इज एक्विडेटली नरिश ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। प्लांट टिश्यू एनालिसिस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टिश्यू टेस्टिंग। टिश्यू टेस्टिंग और प्लांट टिश्यू एनालिसिस है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अपन मिक्स नहीं कर सकते। टिश्यू टेस्टिंग होती है जो वो मतलब फील्ड से लिए गए प्लांट्स के सैप सैंपल्स के, फ्रेश प्लांट सैंपल होते हैं जो उनके उनके द्वारा टिश्यू टेस्टिंग की जाती है, और जो प्लांट टिश्यू एनालिसिस है वो ड्राइड प्लांट के जो सैंपल होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। विजुअल एनालिसिस फॉर डिफिशियंसी सिम्टम। डिफिशियंसी सिम्टम का चैप्टर जो है वो आप पहले भी पढ़ चुके हो,
अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग डिफिशेंसी सिम्टम होते हैं, जिससे अपन सोयल फर्टिलिटी एवेल्यूशन कर सकते हैं, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि सोयल में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है या कौन सा न्यूट्रिएंट एक्सेस में पाया जा रहा है। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग डिफिशियंसी सिम्टम होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के जनरली क्लोरोसिस अपीयरेंस ऑफ लाइट ग्रीन टू पेल येलो कलर स्टार्टिंग ऑन द ओल्डर लीव्स, जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं उनका जो कलर होता है लाइट ग्रीन से हल्का हल्का येलोइंग, मतलब येलो होना शुरू हो जाता है। द टिप्स आर अफेक्टेड फर्स्ट, ओल्डर लीव्स स्क्रोच और ड्रॉप डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डिफिशियंसी, ग्रोथ बिकम स्टंटेड, जो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ है जो वो रुक जाती है नाइट्रोजन की कमी से। और इन एक्यूट गेज फ्लोवरिंग इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, फ्लोवरिंग कम हो जाती है। डिफिशियंट क्रॉप्स हैव लोअर प्रोटीन कंटेंट, और इनमें प्रोटीन कंटेंट की भी कमी आती है नाइट्रोजन से। फॉस्फोरस, द मैच्योर लीव्स हैव करेक्टरिस्टिक्स डार्क ग्रीन टू ब्लू ग्रीन कलरेशन, जो पत्तियाँ होती हैं वो डार्क ग्रीन से ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। द रूट डेवलपमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, जड़ों में वृद्धि कम हो जाती है फॉस्फोरस की कमी से। प्लांट इज स्पाइनली एंड स्टंटेड, पौधे मुरझा जाते हैं। इन एक्यूट केस रेड पर्पल और ब्राउन लीफ कलरेशन डेवलप्स, कभी कभी कुछ पत्तियों में या कुछ पौधों में क्या होता है, जो पत्तियों का कलर होता है वो पर्पल या ब्राउन होना शुरू हो जाता है। मैच्योरिटी लेट हो जाती है। देर इज पुअर डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट, जो सीड और फ्रूट का जो फल का जो डेवलपमेंट है वो कम होता है। पोटेशियम स्लो एंड स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट पौधों की जो वृद्धि होती है वो कम होती है, धीरे धीरे होनी होती है। और क्लोरोसिस अलोंग द लीफ मार्जिन फॉलोड बाय स्क्रोचिंग एंड ब्राउनिंग ऑफ टिप्स ऑफ ओल्डर लीव्स, जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोसिस की कमी, क्लोरोसिस होना शुरू हो जाता है, मतलब क्लोरोफिल की कमी होना हो जाती है। दीज सिम्टम्स ग्रेजुअली प्रोग्रेस इनवर्ड, स्टॉक्स आर वीक एंड प्लांट लूज इजली, पौधे होते हैं जो वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। और शेवर्ड सीड्स ऑफ फ्रूट्स, मतलब जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं कुछ फ्रूट्स के, वो श्रेवर मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम, दीज आर फर्स्ट नोटिस्ड इन द मेरिस्टमेटिक रीजन ऑफ यंग लीव्स, कैल्शियम की जो कमी है वो मेनली नई पत्तियों पर दिखाई देती है। यंग लीव्स ऑफ प्लांट, न्यू प्लांट्स आर ऑफन डिस्टॉर्टेड, पत्तियाँ टूटनी या मुरझानी शुरू हो जाती हैं। स्मॉल एंड अबनॉर्मल लीव्स में भी कप शेप्ड क्रिंकल्ड एंड द टर्मिनल बड्स डिटेरियोरेट विद सम ब्रेकडाउन ऑफ पेटियोल्स, रूट ग्रोथ इज सेवियरली इम्पेयर्ड, रूट ग्रोथ जो जड़ों में जो वृद्धि होती है वो भी कम हो जाती है। रूट गेट रोटन्स, ब्लूजम शेड प्री मेच्योरली, स्टेम स्ट्रक्चर आर वीक, जो तने होते हैं तने कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डिफिशियंसी होते हैं, जो पुरानी पत्तियां होती हैं जो पौधों की, वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं क्लोरोसिस होने से, क्लोरोसिस होने में वही क्लोरोफिल की कमी। इन मेज क्रॉप लीव्स डेवलप इंटरवेनियल वाइट स्ट्रिप्स, इन कॉटन क्रॉप दे चेंज टू पर्पलिश रेड, जो कपास वाली फसल होती है, जो कॉटन क्रॉप्स होती हैं उसमें पत्तियों का रंग जो पर्पलिश रेड होना शुरू हो जाता है। सोयाबीन में भी ये पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, और एप्पल में मैग्नीशियम की कमी से कई बार फ्रूट गिरने शुरू हो जाते हैं। सल्फर, यंगर लीव्स टर्न यूनिफॉर्मली येलोइश और क्लोरोटिक, जो नई पत्तियाँ होती हैं सल्फर की कमी से वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। प्लांट्स आर स्पाइनली एंड ग्रो पुअरली, पौधे जो हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। फ्लावर प्रोडक्शन इज ऑफ इंटरमीडिएट, जो फ्लावरिंग होती है वो भी रुकती है, वो भी कम हो जाती है। जिंक, जिंक के डिफिशेंसी सिंड्रोम होते हैं, जो दूसरी तीसरी मैच्योर जो प्लांट्स लीव्स होती हैं उन पर दिखाई देने शुरू होते हैं।
कुछ स्पीशीज में लीव्स में भी डार्क ग्रीन और ब्लू ग्रीन, मतलब ज़्यादा हरी और या ज़्यादा नीली नीली हरी वो होना शुरू हो जाती हैं। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आर मच रिड्यूस्ड अंडर कंडीशन ऑफ सीवियर जिंक डिफिशेंसी। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वो जो है वो कम हो जाती है जिंक की डिफिशेंसी की वजह से, एंड द एंटायर प्लांट में भी स्टंटेड और मिसशेपन, मतलब पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है और मिसशेप, मतलब उसकी जो शेप होती है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। बोरोन प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड एंड लीव्स टर्न्ड येलो और रेड। प्लांट ग्रोथ है वो कम हो जाती है और जो पत्तियां हैं वो पीली या लाल में होना शुरू हो जाती हैं। बोरोन डिफिशियंसी इज ऑफन टू बी एसोसिएटेड विद स्टरलिटी और मेल फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनमें भी इसका इफेक्ट पड़ता है बोरोन डिफिशियंसी का। बोरोन डिफिशियंसी डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। जो पानी लेने की जो क्षमता होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होती है, वो कम हो जाती है बोरोन डिफिशियंसी से। ऑल्सो सीड फॉल्स टू मैच्योर, कई बार जो बीज है, जो सीड है, वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। कॉपर डिफिशियंसी इज एविडेंट एज क्लोरोसिस विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल की कमी होती है कॉपर से भी और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पर इफेक्ट करता है। कॉपर डिफिशियंसी इज इंड्यूस्ड बाय हैवी लाइमिंग और एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। जो कॉपर की कमी होती है वो मेनली ज़्यादा लाइम लेने से या नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज़्यादा अप्लाई करने से कॉपर की कमी होती है। डाई बैक ऑफ शूट्स इन सिट्रस, सिट्रस में डाई बैक शूट्स का जो डिजीज होती है वो कॉपर की कमी से होती है। और कॉपर डिफिशियंसी एंड फ्रूट्स आर सब्जेक्टेड टू क्रैकिंग। जो फल होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। इन सीरियल क्रॉप्स टिलर्स आर पुअरली फॉर्मड एंड फेल्स टू फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन। जो सीरियल्स क्रॉप में टिलरिंग स्टेज होती है वो कम हो जाती है कॉपर की कमी से और फ्लावर और फ्रूट्स बन नहीं पाते हैं अच्छे से। यंग लीव्स शो ब्लीचिंग एंड विदरिंग एट द टिप्स। द यंग लीव्स ऑफ क्रूसीफेरस क्रॉप डेवलप्ड इंटरवेनियल क्लोरोसिस। तो ये अपन में तीन तरह से सोयल फर्टिलिटी एवोल्यूशन होता है, सोयल एनालिसिस, प्लांट टिश्यू एनालिसिस और विजुअल सिम्टम्स फॉर डिफिशियंसी सिम्टम। जो पौधों पर जो भी डिफिशियंसी सिम्टम दिखाई देते हैं उससे भी एक मृदा उर्वरता का जो मूल्यांकन है वो होता है।